फ्रेंड्स, वेलकम टू क्याड बाबा। आज की हम सेशन में हम हैंगर का जो मॉडलिंग है वो मॉडलिंग करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे। तो इसमें हमारा टोटल सॉलिड मॉडलिंग है और ड्राइव कर्व, सॉलिड का ड्राइव कर्व ऑप्शन में हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो सेंटर की जो लाइन है उसको पहले क्रिएट कर लेंगे एज ए पाथ। उसके बाद हम उसको सेक्शन दे के उसका थिकनेस जो है वो डिफाइन करके हम सेक्शन के हिसाब से उसको उसमें पाथ में हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, ड्राइव कर्व ऑप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो और इंडस्ट्रियल डिजाइन के ऊपर आपके पास टाइम पे पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं न्यू फाइल ले लिया हूँ। पहले मैं वर्किंग सेट कर देता हूँ जेड XYZ 0 में। ठीक है, अब वर्क फ्रेम में चलते हैं। तो मैं इसका पाथ जो है वो पहले क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जो मेन डायग्राम है उसको पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। 23 हमारा ऊपर की हैंगर जो हैंडल है। उसके बाद ये 90 डिग्री पे आ गया है। इसका डायमेंशन में देता हूँ 28। ठीक है, अब पाथ इसका सेट कर देता हूँ। हाँ सॉरी, जो कर्व का जो हमारा पाथ है सेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से 135 डिग्री पे लेंथ इसका है 20। ठीक यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मेरा नीचे नीचे तक 38.5 में ऑफसेट करूँगा, -38.5। अब इसका जो ऑफसेट करता हूँ 47.5
47/2, 47 का हाफ, ठीक है, -47 तो यहाँ पे ठीक है ना, हमें ये जोड़ रहे थे। ये डिलीट, ये डिलीट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। यहाँ से मेरा नीचे के बेस तक हमारा ये आएगा 96, ठीक है ना। अब इसका जो लेंथ सेट करते हैं तो वो हमारा अबाउट 380, CIT में हमारा का मैं सेट करता हूँ 20। ठीक है, इसका सेंटर और ये सेंटर में ना जोड़ देता हूँ, कर देता हूँ डिलीट, ये डिलीट, मेरा क्रिएट हो गया है। हैंगर का जो लाइन डायग्राम, ठीक है, मैं यहाँ पे फिलेट दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कंपोजिट कर लेता हूँ। अब मेन चीज है, इसको हमें ये चूज करना है कि कहाँ पे कौन सी एरिया के सॉलिड कितने कितने, एक साथ तो पूरा सारा नहीं बनेगा, एक पार्ट में मैं ये कर रहा हूँ हैंडल को, ऑल्ट प्लस सिलेक्ट करके कंपोजिट कर्व क्रिएट कर लिया, और इसको एक पार्ट में करता हूँ, ठीक है, और ये हमारा एक पार्ट में होगा। ओके, तो इसका क्रॉस सेक्शन हमारा जो है, क्रॉस सेक्शन के ऊपर से राउंड क्रॉस सेक्शन है, तो उसका साइज जो है डाया में हमारा 8 है, ठीक है, रेडियस 4 है,
ठीक है। अब सेम चीज मैं एक्स व्यू में मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। अब सेम हमने यहाँ पे भी एक क्रिएट कर लेता हूँ क्रॉस सेक्शन और फोर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सॉलिड में जाके ये हमारा सॉलिड ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है। सेक्शन ये आ गया, ड्राइव कर रहा हमारा ये आ गया। ठीक है। हेडिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सेम चीज में ड्राई कर में इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। अब सेम प्रोसेस में यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ। ये हमारा क्रॉस सेक्शन और ड्राइव कर्व हो गया ये पाथ। ठीक है ना। अब हैंगर क्रिएट हो गया हमारे यहाँ पे। और एक ऑपरेशन है वहाँ पे, उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो तब तक मैं इसको क्रिएट दूसरे लेवल पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है। 0। ठीक है। दोबारा टॉप व्यू में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे एक मुझे दोनों एंड पे दो ऐसे सर्कल चौरस टाइप का क्रिएट करना है मुझे। और यहाँ पे एक कट भी देना है जो कि मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन से आइधर साइड में मेरा 20-20 रहेगा। ठीक है। ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ मिरर। ठीक है। अब इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ ताकि पूरे पूरे में कवर ना हो, यहाँ तक होगा 10। ये एक्सटेंड हो गया हमारा, यहाँ तक आएगा। ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, क्रॉस सेक्शन डालने के लिए पहले अलाइन वायरफ्रेम डालता हूँ। अब वायरफ्रेम में जाके मैं सर्कल लाके क्रॉस सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। और जिसका साइज है R4। ठीक है। सेम प्रोसेस, ड्राइव कर में सेक्शन सिलेक्ट हुआ पड़ा है और ये पाथ है। ठीक है। अब मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ। और ये जो हमारा
दोनों एंड में, हमें इधर भी चाहिए इस साइड में, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले इसको मिरर क्रिएट कर लेता हूँ। मिरर क्रिएट के लिए मैं एक लाइन यहाँ पे डाल दिया, लाइन क्रिएट कर लिया, और मिरर विद दिस लाइन और दिस लाइन, ओके ठीक है। अब मैं इसको सॉलिड में यूनियन कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। कार्ड हो गया, ठीक है। तो बाकी सॉलिड को हम ऐड कर लेते हैं। गार्ड कर देंगे, थोड़ा सा शेडिंग में टाइम लेगा। तब तक दोबारा मैं कह देता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जो नए व्यूअर्स हमारे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही कुछ यूजफुल वीडियो आपके पास टाइम पे पहुंच जाए, ठीक है। अब इसको कट जो करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सट्रूजन अब मैं तो इधर भी काटना है दोनों साइड, तो मिरर करता हूँ ओवर दिस लाइन, दिस वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब मैं इसको कट कर देता हूँ, सॉलिड सब्सट्रैक्ट, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने जो कुलीग है उनके बीच आप शेयर करके नॉलेज गेन कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो मैं अब ये हो गया, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे फिलेट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं 3.5 का दे देता हूँ, ठीक है। कभी कभी R4 है, मैं तो R4 दे सकता था, लेकिन क्या है कि R4 में शायद ना ले पाए, फिलेट सक्सेस ना हो, तो मैंने 0.5 कम करके वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिलेट है, यहाँ पे तो हम R1 या 0.5 का हम फिलेट दे सकते हैं, ठीक है। कभी कभी प्लास्टिक कंपोनेंट के इस एज पे अगर शार्प रहेगा तो प्लास्टिक इजीली क्रैक कर जाता है, तो यहाँ पे रेडियस दे देते हैं, ताकि ये स्ट्रेंथ इसका थोड़ा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सेम यहाँ पे हम दे सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, अब हैंगर तो हमारा रेडी हो गया। ठीक फ्रेंड्स, हैंगर के जो डिजाइन है वो बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो इसका जो सेंटर है आर्क का, ये आर्क का जो सेंटर है इस लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ, डायमेंशन लेके दिखा देता हूँ। करीब 8.8 के करीब हमारा ये शिफ्ट है। हाँ, 8.86, ठीक है। तो ये 8.86 हमारा जो है, ये कर्व जो है इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा वीडियो बनाने के टाइम थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो इधर सेट नहीं हो पाया। तो इसमें क्या होगा, ये सेंटर में होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, जो क्या एडवांटेज मिलेगा, और सेंटर में नहीं होगा तो क्या डिस्टरबेंस होगा, वो मैं बता देता हूँ। हमारे हैंगर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इस केस में डिसबैलेंस हो जाएगा। जैसे हम इसको कोई भी शर्ट या कोई भी चीज इस पे कवर करके जब भी इसको हैंग करेंगे, तो ये वन साइड हमारा, इस साइड हमारा डाउन हो जाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इम्बेलेंस होगा। तो ये इसका जो कर्व का आर्क का सेंटर अगर इस लाइन के ऊपर रहेगा, जैसे कि ये लाइन हमारा इस टोटल बॉडी का सेंटर में है, ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारा इस लाइन के ऊपर ये सेंटर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप जरूर इसको चेंज कर देना, ठीक है। तो वीडियो में फिर भी मैं इसको चेंज कर ही देता हूँ। करीब हमारा 8.86, ठीक है। मैं इसको मूव कर लेता हूँ। तो मुझे लाइन क्रिएट करना पड़ेगा पहले। लाइन तो क्रिएट हुआ पड़ा है। मूव ठीक है। अब ये जो है ये हमारा आगे एक्सटेंड हो जाएगा 15। ठीक है, मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। उसको दोबारा इसको बात हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये इतना शिफ्ट है। तो यहाँ पे मैं इस पार्ट को मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे दोबारा से सारा चीज मैं नहीं बनाऊंगा। तो ये हमारा पार्ट है 1 नंबर, ठीक है। मैं 1 नंबर को डबल क्लिक करके यहाँ पे रिप्लेस सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये नया वाला सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे नया सिलेड यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ वही सेम रहा, सिर्फ हमारा जो
सॉलिड रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हैंगर आपका क्रिएट हो गया। अब किसी को कोई ऑब्जेक्शन या कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप शेयर कर सकते हैं आपके ओपिनियन। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर अच्छा लगा है तो। न्यू व्यूअर्स जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।